प्लूटो फुलझड़ी को ही खा जाता। कल शाम प्लूटो ने 2-3 दिन में कुछ खाया था। वो दिवाली थी तो काफी खुश थे बाबूजी। फिर ये बाहर जाने को रो रहा था तो मैं इसको बाहर घुमा कर लाया। फिर मोहल्ले में सभी बच्चे पटाखे पटका रहे थे। फिर मैं देखता हूँ कि मोहल्ले की सभी सेना गायब है। ये बेचारे सब पटाखों की आवाज सुनकर डरकर छुप गए होंगे। जब काफी देर तक प्लूटो का कोई दोस्त प्लूटो को दिखाई नहीं दिया तो प्लूटो को बहुत गुस्सा आया। जहाँ भी कोई पटाखे पटका रहा था प्लूटो सब पर भौंकने लगा। हम थोड़ी और आके गए तो हमें हमारे पोटैटो महाराज घूमते हुए मिल गए। फिर पोटैटो को घड़लाकर खाना खिलाया। हम फिर से सेना को ढूंढने निकल गए। कहीं पर रॉकी टूट रहे थे तो कहीं पर बच्चे चक्री चला रहे थे। ब्लूटो सबको देखकर बहुत खिलस रहा था। फिर हमें जुपिटर मिला। इसको खाना पीना करा के घर ही ब्लूटूथ के पास सुला दिया। वो देखो दीदी कैसे पैक होकर घूम रही है। फिर हमने दिए वाली काइट देखी। पहले लोगों में इतना अंधविश्वास था कि इसको भूत वगैरह बोलते थे। फिर बच्चे फुलझड़ी जला रहे थे तो ब्लूटो फुलझड़ी को ही खाने की सोचने लगा। अरे कोई खाने की चीज है। फिर हमें टिमटिम और चिली भी मिल गए। इनको खाना खिलाया। फिर देखा कि चारों तरफ रॉकेट रॉकेट उड़ रहे हैं। फिर हमारे मोहल्ले में एक भैया न्यू बाइक लेके आए थे तो मैं उसको देखने गया तो प्लूटी ने उस बाइक पर जाते ही सुस्सू कर दी।